नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद समर में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आई असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के सिलेबस के बारे में। तो जी दोस्तों, इस वीडियो में इस वैकेंसी के प्री, मेंस, ऑप्शनल सब कुछ जो सिलेबस होगा इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप देखने इस वीडियो की आवश्यकता है और जो इस सिलेबस का इंतज़ार कर रहे हैं, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पाएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, पोस्ट नेम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसमें कुल 138 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। वही दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की बात कर लें तो इसमें आपका चयन प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। वहीं दोस्तों, आवेदन की बात करें तो इसका आवेदन स्टार्ट होगा 17 अप्रैल 2021 से और इसमें आप 15 मई 2021 तक आवेदन कर पाएंगे। वहीं अबाउट एग्ज़ाम की बात कर लें तो एग्ज़ाम के बारे में कुछ डिटेल्स होंगी वो दोस्तों आप यहां पे चेक कर पाएंगे। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो प्री मेंस और इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो दोस्तों इसमें जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लें तो इसमें आपके कुल 150 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के लिए। वहीं दोस्तों बात कर लें एग्ज़ाम टाइम की तो इसमें आपको कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं पेपर लैंग्वेज की बात कर लें तो इस पेपर का जो लैंग्वेज होगा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। वहीं निगेटिव मार्किंग की बात कर लें तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग के बारे में अभी घोषणा नहीं की गई है आयोग की ओर से। वहीं मेंस एग्ज़ाम की बात कर लें तो मेंस एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें आपके कुल 4 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर आपका 300 नंबर का आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपकी जनरल हिंदी जो होगी वो 100 नंबर की होगी। वहीं दोस्तों मैक्सिमम मार्क इसमें आपके 1000 होंगे। और समय की बात करें तो इसमें आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा प्रत्येक पेपर के लिए, यानी कि दोस्तों जो जो पेपर होगा वो 3-3 घंटे का होगा। वहीं एग्ज़ाम सिलेबस डिटेल्स की बात कर लें तो दोस्तों इसमें प्री एग्ज़ाम में बात करें तो इसमें जनरल साइंस होगा, करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होंगे, वहीं हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड साइलेंट फीचर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार, जनरल जियोग्राफिक यानी कि सामान्य भूगोल होंगे, डिवीज़न ऑफ बिहार एंड मेजर रिवर सिस्टम यानी कि नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दोस्तों इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न होंगे, बिहार की इकोनॉमिक्स होगा और इंडिपेंडेंस पीरियड के दौरान जो इकोनॉमिक्स होगी उसकी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वही दोस्तों बात कर लें तो इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा अन्य जनरल मेंटल एबिलिटी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके बुक को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बात कर लें तो इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, MBA वित्त, CA, ICWA और CS डिग्री धारक इस पद के लिए पात्र होंगे। तो दोस्तों, इस क्वालिफिकेशन के साथ यदि आपकी डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपकी चयन प्रक्रिया होगी दोस्तों आप यहां पर चेक कर पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों। यहाँ पर जो वैकल्पिक विषय होंगे 300 नंबर के लिए होंगे तो उसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा आप देख पाएंगे दोस्तों, सामान्य हिंदी होगा 3 घंटे के लिए 100 नंबर, जनरल सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट होगा 3 घंटे के लिए 300 नंबर, सामान्य अध्ययन पेपर सेकेंड होगा 3 घंटे के लिए 300 नंबर का होगा। वहीं दोस्तों इसमें आपका एक वैकल्पिक विषय होगा जिसमें कि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या फिर गणित में से आप किसी एक भाषा को चूज कर सकते हैं। इसका भी आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा 300 नंबर के लिए। वहीं दोस्तों मेन्स एग्ज़ाम की बात कर लें तो मेंस एग्ज़ाम में आप बात करें तो इसमें सामान्य हिंदी होगी। इस प्रश्न पत्र में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी स्तर के होंगे। इस परीक्षा में सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध शुद्ध रूप से व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की समझ की जाएगी। अंकों का विवरण निम्न प्रकार से होगा, यानी कि दोस्तों सामान्य हिंदी में जो आपके अंक होंगे जिसमें निबंध होगा 30 नंबर के लिए, व्याकरण होंगे 30 नंबर के लिए, वाक्य विन्यास होगा 25 नंबर के लिए, संक्षेपण होगा 15 नंबर के लिए। वहीं दोस्तों जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट की बात कर लें तो इसमें जो पेपर फर्स्ट आपका जनरल स्टडीज होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री,
ऑफ द इंडियन एंड इंडियन कल्चर से होगा। वहीं करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दोस्तों स्टैटिकल एनालिसिस ग्राफ एंड डायग्राम संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इन पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें देख पाएंगे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन एंड कल्चर कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, यानी कि दोस्तों पूरे भारत शासित बिहार से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो इसमें आपके इंडियन हिस्ट्री होगी दोस्तों 1857 से लेकर 1942 तक के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, तो आप इसकी यहाँ पे पूरी डिटेल्स को चेक कर पाएंगे, जिसमें आप देख पाएंगे बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, तो इन सभी रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप अन्य डिटेल्स की बात करें इसमें तो गांधी से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ये पूरे आपके पेपर फर्स्ट के रहने वाले हैं। वहीं पेपर सेकेंड की बात कर लें तो इसमें इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमिक एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों ये जो आपके पेपर फर्स्ट होंगे वो भारतीय संविधान से होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी सेकेंड पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे इसमें सिलेबस डिटेल्स की बात कर लें तो आप इसमें देख पाएंगे इसमें भारतीय संविधान होंगे, साथ ही इसमें आपका बिहार का भी संविधान इंक्लूड रहेगा, साथ ही भारतीय इकोनॉमिक्स और बिहार इकोनॉमिक्स से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड जियोग्राफी ऑफ भूगोल होगा, प्लानिंग यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिकली इकोनॉमिक एंड सोशल जियोग्राफी होगा जिसमें आपका आपका पूरा भारत और पूरे बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही इसमें भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरे आपके मेंस एग्जाम के पेपर सेकेंड होंगे। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर लें तो ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट विषय का जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चलिए उसके भी बारे में आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे जो स्टैटिक यानी कि सांख्यिकी होगा इसका भी से आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर पाएंगे, प्रोफेशनल स्टैटिकल इन्फ्रेंस है, तो इन ये जो टॉपिक आप देख पाएंगे दोस्तों इसी टॉपिक से आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो या आपकी कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ ही इसके आवेदन करने का लिंक और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। सेक्शन सेकंड की बात करें तो सेक्शन सेकंड में जो आपके सिलेबस होंगे वो यहाँ पे देख पाएंगे, जो आपका सिलेबस होगा विषय का उसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। वही दोस्तों मैथमेटिक्स की बात कर लें तो मैथमेटिक्स में जो आपके सिलेबस रहने वाले हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो इस तरह आप करके इस जो ये नोटिफिकेशन है इसमें आपको सभी सिलेबस मिल जाएंगे, जो आपके चारों सिलेबस के विषय हैं उन सभी का सिलेबस इसमें आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।